कक्षा सातवीं के गणित विषय के कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 38 विलोमानुपात इस टॉपिक के सवालों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1। किसी खेत की निराई करने में 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं, तो 6 मजदूर को कितने दिन लगेंगे और 15 मजदूर को कितने दिन लगेंगे। बच्चों, प्रश्न को मैंने इस तरह से लिखा है बॉक्स के रूप में। मजदूर कितने हैं? 5। कितने दिन लगते हैं? 12 दिन। तो 6 मजदूर को कितने दिन लगेंगे यह ज्ञात करना है। यहाँ पे हमने क्या माना है? x। उसी तरह 15 मजदूर को कितने दिन लगेंगे? यहाँ पे हमने क्या माना है? y दिन लगेंगे। बच्चों, मजदूरों की संख्या बढ़ने पर काम के घंटे कम होते हैं। जैसे 5 मजदूर 12 दिन में करेंगे, 6 मजदूर उससे कम दिन में आए, 15 मजदूर उससे कम दिन में काम करेंगे। मजदूरों की संख्या तथा लगने वाला समय का अनुपात विलोमानुपात है। यहाँ पर हम विलोमानुपात इस आधार पर हम करेंगे। पहले इसको हल कर रहे हैं। माना 6 मजदूर x दिन लगेंगे, तो यहाँ पर 6 गुणे x, विलोमानुपात का सिद्धांत क्या है? इसका इन दोनों का गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर होता है। 6 गुणे x बराबर 5 गुणे 12। देखिए, यहाँ पर x का मान निकालना है। 5 गुणे 12 बटे 6, 6 के 6, 6 दुना 12, यानी 5 गुणे 2, 10 दिन लगेंगे। यहां पर हमारा उत्तर क्या आएगा? 10 दिन। इसी प्रकार 15 मजदूर y दिन में काम पूर्ण करेंगे। पंद्रह गुणे y बराबर 5 गुणे 12। y का मान निकालना है। 5 गुणे 12 को 15 से भाग दो, 12 पंचे 60 कर दीजिए, नहीं आता है तो गुणा करके 15 से भाग दीजिए, 15 चौक 60, तो y बराबर 4 दिन लगेंगे। इसका उत्तर क्या है बच्चों? 4 दिन। इस प्रकार हम पहले सवाल को विलोमानुपात के सिद्धांत पर हल करेंगे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा। मोहन राव प्रतिदिन एक पुस्तक को 40 पृष्ठ पढ़ते हैं। वह इस प्रकार वह पुस्तक 10 दिन में पूरी होती। वही पुस्तक यदि 8 दिन में पूरी करनी हो तो प्रतिदिन कितने पेज पढ़ने होंगे? यहाँ पर देखिए बच्चों, 40 पेज को पढ़ने के लिए 10 दिन लगते हैं, तो उसी पुस्तक को पढ़ना है, 8 दिन में समाप्त करना है, 8 दिन में तो कितने पेज पढ़ने होंगे? यहाँ पर बच्चों, पृष्ठों की संख्या तथा लगने वाला समय का अनुपात विलोमानुपात है। माना वह पृष्ठ x दिनों में पृष्ठ पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? माना मोहन राव 8 दिनों में x पृष्ठ पढ़ेंगे। अब यहां पे विलोमानुपात हो गया, मतलब कि 8 गुणे x या x गुणे 8, x गुणे 8 बराबर 40 गुणे 10। x का मान निकालना है। 40 गुणे 10 बटे में 8, 8 एक के 8, 8 पंचे 40, यानी 5 गुणे 10, 50 पेज पढ़ना होगा। उत्तर, मोहन राव 50 पृष्ठ पढ़ेंगे। यदि उनको वह पुस्तक 8 दिन में समाप्त करनी है
तो उन्हें कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे? 50 पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए क्या है। मेरी की साइकिल चलाने की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसे 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित उसके मौसी के घर जाना है तो उसे कितना समय लगेगा? यदि उसके साइकिल की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे कितना समय लगेगा? अब देखिए, साइकिल की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ पर साइकिल की गति और समय, इसमें विलोमानुपात है, लेकिन हमें पहले क्या निकालना है कि एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। एक समय निकालेंगे, एक घंटे में कितनी दूरी करेगा। समय बराबर, सूत्र क्या होता है हमारा, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। अभी दूरी कितना है कि वो 12 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है और स्पीड क्या है, गति 6, तो उसे कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे कि जो मेरी है यहाँ पर 6 किलोमीटर तय करने के लिए 2 घंटे लगेंगे कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 12 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसकी स्पीड कितना है? 6 है, तो 2 घंटे लगे, 6 × 12। तो अब हमको 4 किलोमीटर दूरी तय करना है तो कितने घंटे लगेंगे? साइकिल की गति तथा लगने वाला समय का अनुपात विलोमानुपात है। माना 4 किलोमीटर दूरी तय करने में x घंटे लगेंगे। यहाँ पे हमने क्या बोला, x, यहाँ पे विलोमानुपात आ गया, 4 × x = 6 × 2। x = 6 × 2/4, 6 × 12/4, 4 × 3 = 12, 3 घंटे लगेंगे। उत्तर 3 घंटे लगेंगे। तो बच्चों, पहले हमने क्या किया कि 6 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितने घंटे लगे? 2 घंटे लगे, इसको हमने निकाला है। दूरी क्या है, 12 किलोमीटर है और 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो 2 घंटे लगेंगे पहले और बाद में क्या लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। इस तरह से तीसरा सवाल को हल करना है। अब आइए अंतिम चौथा सवाल लिखते हैं। बच्चों, अंतिम प्रश्न क्या है, किसी शासकीय गोदाम के अनाज के संग्रह का अनाज 4000 लोग 30 दिन तक खाते हैं, तो संग्रहित अनाज को 6000 लोग कितने दिन खाएंगे? बच्चों, यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं, 4000 लोग हैं, 30 दिन खाते हैं, तो 6000 लोग कितने दिन खाएंगे? यहाँ पर संख्या बढ़ गई तो दिनों का अनुपात भी क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। अनाज तथा दिनों की संख्या में विलोमानुपात, यहाँ पे क्या आ रहा है, गुणधर्म, विलोमानुपात का गुणधर्म आ रहा है। इसलिए हमने क्या लिखा, माना 6000 लोग, माना अनाज को 6000 लोग x दिन में खाएंगे, यानी कि 6000 × x = 4000 × 30। विलोमानुपात के गुणधर्म अनुसार x का मान निकालने के 4000 × 30/6000, जो 0 0 3 0 काट दो, 6 का पहाड़ आता है आपको, 6 × 6 = 6 × 5 = 30, 4 × 5 x = 20, 4 × 6 = 20, मतलब 20 दिन खाएंगे। तो उत्तर क्या आएगा हमारा बच्चों, x = 20। तो यहाँ पर उत्तर हमारा x का मान क्या आएगा बच्चों, 20 आएगा। इस तरह से हम प्रश्न संग्रह 38 के सवालों का अध्ययन करते हैं। आज के क्लास का समापन यही करते हैं। धन्यवाद बच्चों।